ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत की आर्थिक संभावनाएं उज्ज्वल हैं और यह वैश्विक नवाचार का केंद्र है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% से बढ़कर 6.3% होने का अनुमान व्यक्त करने की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने एक संदेश में कहा कि सरकार समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा मजबूती से जारी रखेगी और इसे सुधार के रास्ते पर बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कल भारत का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया, जबकि वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया। भारत और सऊदी अरब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने सऊदी अरब यात्रा के दूसरे दिन कल रियाद में निवेश मंत्री खालिद अल फली से बातचीत की। श्री सिंह ने सऊदी अरब के कारोबारियों और निवेशकों को भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर ने कहा है कि सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों और नीतियों, विभिन्न पहलुओं, संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में ये सम्मेलन एक दशक के बाद आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम एफसीआरए के कथित उल्लंघन के सिलसिले में समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के परिसरों पर छापे मारे हैं। सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसी ने इस मामले में 2 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई ने न्यूज पोर्टल के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पोर्टल ने एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करके विदेशी धन प्राप्त किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एनिमेशन श्रृंखला केटीबी भारत है हम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता संग्राम में योगदान करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की परिकल्पना की थी। श्री ठाकुर ने कहा कि एनिमेशन पात्र कृष्ण त्रिश और बॉटली बॉय ने एक अनूठे तरीके से स्वाधीनता सेनानियों की गाथा को प्रस्तुत किया है। भारत है हम एनिमेशन श्रृंखला इस महीने की 15 तारीख से दूरदर्शन, अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर शुरू की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ये अनूठा प्रयास किया गया है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा और ग्राफिटी एनिमेशन तथा मल्टीमीडिया के मुंजाल श्रॉफ उपस्थित थे। त्रिपुरा में संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल अर्थात निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी सर्वेक्षण शुरू किया गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस मूल्यांकन सर्वेक्षण में 4,000 से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 2 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन किया जाएगा। इसराइल और हमास के बीच युद्ध और तेज हो गया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी के क्षेत्रों को हमास के नियंत्रण से वापस ले लिया है। उसने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने गजा में हमास के 2,294 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। मीडिया की खबरों के अनुसार अब तक इस लड़ाई में दोनों पक्षों के 2,100 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बीच अमेरिका ने इजरायल को युद्ध में मदद के लिए सहायता भेजी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल पर हमास के हमले के बाद की स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2 बजे से खेला जाएगा। कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को रोमांचक मैच में 6 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में जयप्रकाश नारायण के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण की निस्वार्थ सेवा की भावना देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।